हेलो वीवर्स, तो हमारी ये चल रही है प्रिपरेशन जस्ट वन डे बिफोर केरला जाने के। तो यहाँ पे फेरीज बस बहुत ज़्यादा मस्ती मूड में है। मैंने सारी ऑलमोस्ट पैकिंग भी कर ली है और फेरीज यहाँ पे बस मेरे पैर की मसाज कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा प्लानिंग ये है कि मैं पहले मम्मी के घर पे जाऊँगी, हमारी रात की 10 बजे की ट्रेन है, तो उसके हिसाब से हम निकल रहे हैं। हम लोग निकल रहे हैं अभी केरला के लिए। तो फिलहाल मैं अपने मतलब मेरे घर से मैं जा रही हूँ मम्मी के घर पे, एंड देन हम वहाँ से सब लोग साथ में जाने वाले हैं। तो फहीम मुझे ड्रॉप कर रहे हैं घर पे, और मैंने एक्चुअली अभी कुछ भी मेकअप नहीं किया है, एज़ हम लोग ट्रेन में रात में सोने वाले हैं एंड सीधे सुबह पहुँचने वाले हैं। तो रात भर में मेकअप में जाके फिर सुबह में सब है ना, बहुत ख़राब हो जाता है मेकअप, इसके लिए मैंने अभी पूरा ब्लैंक रखा है और सुबह में जाके नारे के लिए मैं रेडी हूँ। और ये देखिए, मैं अपना बोरिया बिस्तर लेके पहुँची हूँ मम्मी के घर पे। शेबू जो है, अशरफ एक्चुअली सारा सामान उठा के जा रहा है, और हमने बस बहुत सारे टाइम पास किए। और रात में अराउंड 7:30 को हम लोग घर से निकल रहे हैं अभी स्टेशन के लिए। तो यहाँ पे फहीम मेरे साथ में आया है, बट हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं टैक्सी से। तो हम यहाँ ट्रेन से जाने वाले हैं CST, और फहीम जाएंगे हमारे घर क्योंकि वो नहीं आ रहे साथ में केरला। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा मम्मी के घर, और हम यहाँ से सब लोग साथ में निकल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 7 सीटर जो ओमनी आती है वो बुक की है। तो हम यहाँ पे बहुत रिलैक्सफुली आराम से गए, जो भी सामान था वो कैरियर पे ऊपर रख दिया था। तो यहाँ पे एक्चुअली एक स्पॉट था जहाँ तक के फहीम और हमारी गाड़ी जो है ऐसे आगे पीछे ही चल रही थी, एंड हम लोग यहाँ पे पीछे ही बैठे थे फेरीज और मैं। तो फेरीज पूरा टाइम अपने पापा को ही देखे, पीछे आप दिख रहे होंगे कि रेड कलर की सोनेट है, तो उसमें फहीम एक्चुअली ड्राइव कर रहे हैं, और फहीम पूरा टाइम हमें एक स्पॉट तक पीछा कर रहे थे, एंड फेरीज पूरा टाइम फहीम को यहाँ से हाय बाय सब कर रहा था। एंड ही वॉज लाइक कि पापा हमारे साथ में क्यों नहीं बैठे, अलग से क्यों आ रहे हैं, या फिर हम पापा के साथ अंदर कार में क्यों नहीं बैठे। देन इसके बाद फिर हम लोग अलग हो गए CST के लिए, एंड फहीम घर के लिए निकल गए। तो यहाँ से हमारे जो रास्ते थे डाइवर्ट हो गए, एंड हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। और यहाँ पे जियान ने एक्चुअली बहुत टाइम से पी अपनी रोक रखी थी, और यहाँ पे भाग के जा रहा है। जैसे हम उतरे पहले तो अशरफ से पी के लिए लेके भागा था, एंड इसके बाद में हमने जो भी सामान अपना लेके गए प्लेटफॉर्म पे और जो भी अरेंजमेंट्स करने थे, यहाँ पे मम्मी मैं और मेरी आपा जो है हम लोग तीनों बैठे हैं सामान संभालते, एंड बाकी सब लोग गए हैं वॉशरूम वगैरह। यहाँ पे बस हमने थोड़ी बहुत सेल्फी ली, और फिर अशरफ और शेबू और जो जियान है वो लोग वापस आ गए, एंड देन हम लोग अपना सामान लेके चले गए। तो माशाल्लाह से अशरफ ने बहुत अच्छे से सारा सामान उठाया था, और मेरे पास एक्चुअली फेरिस्त था इसके लिए मैं और कुछ सामान नहीं उठा पाई, इसी सामान को मुझे बहुत संभालना पड़ रहा था। तो ये इसे बस मैंने एक सेकंड के लिए नीचे छोड़ा था और ये भागना शुरू कर दिया, तो फिर इसको मुझे पूरा टाइम अगेन गोद में लेके घूमना पड़ा, पूरा ट्रेन तक पहुंचना पड़ा। तो ये हम लोग अभी बस नॉर्मल ट्रेन में सामान चढ़ा रहे हैं। तो इसमें भी एक्चुअली मेरा जो बड़ा भाई है शहबाज, उसका हाथ का थोड़ा सा लिगामेंट टियर है, तो अशरफ ने ही पूरी हेल्प की, पूरा सामान सारा ट्रेन में चढ़ाया। बट यहाँ पे कुछ एक प्रॉब्लम हो गई जो मैं आपको आगे के व्लॉग्स में बताऊंगी, तो आप ज़रूर ट्यून इन रहे ताकि आपको आगे का पता चल सके कि हमारे साथ यहाँ पे एक्चुअली एक अनहोनी जो हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, वो मैं आपको आगे की व्लॉग्स में बताऊँगी। यहाँ पे तो बस हम लोग जस्ट ट्रेन में बोर्ड इन किए हैं, थोड़ी बहुत सेल्फी एंड वीडियोस के लिए बस इसी टाइम पास चालू है। अभी सब लोग जस्ट सेटल डाउन हो रहे हैं, और ये नाइट टाइम है, खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा ऐसे टाइम पास कर रहे हैं फेरिस के साथ में। यहाँ पे एक्चुअली ट्रेन में बहुत इजी पीजी रहने के लिए मैंने कोई ज्वेलरी कोई मेकअप नहीं रखा है, ताकि मैं एकदम इजीली जाऊँ, और बहुत हल्का फुल्का कपड़ा भी पहना है। और इस बीच में फेरीज और जियान की पूरे टाइम मस्ती चालू थी, और एक्चुअली ये जो था ना फेरीज का फर्स्ट टाइम का ट्रेन ट्रैवल था, तो फेरीज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और उसे पूरा टाइम एक्चुअली ना ये चीज़ चुनी थी वो चीज़ चुनी थी यहाँ जाना था। एंड लास्टली हम लोग कुछ 12-1 बजे फेरीज को मैंने नाइट ड्रेस चेंज करके मिडल वाले सीट में फेरीज और मैं सोए थे, और उसके जस्ट अपोजिट में मेरी सिस्टर, नीचे मम्मी और भाई। और ये वो होता है ना कि तुम्हें किस तरह भी टाइम पास तो करना ही है, तो ये आदमी स्टैंड लगा के इस तरह से मेरे सामने वाले सीट पे मूवी देख रहा था। सो हर किसी को कुछ ना कुछ टाइम पास करना था, वैसा था। और जैसे तैसे करते फाइनली सुबह हुई, एंड फेरिस की गुड मॉर्निंग हुई एक्चुअली। तो फेरिस ने उठते साथ पहले अपनी आंटी को कहा गुड मॉर्निंग, और फिर अपनी ने उसे गोद में ले लिया। फिर हमने सीट अपना जो भी जहाँ पे रखते हैं वैसे रख के सेटल हो गए हम दोबारा से, एंड देन जस्ट नॉर्मल ब्रेकफास्ट वगैरह किया, टाइम पास किया, एंड देन हम लोग ऑलमोस्ट कुछ 12-1 बजे हम लोग घर पहुँच गए, मैंगलोर स्टेशन पहुँच गए, घर नहीं। ये है मेरा मॉर्निंग वाला लुक कुछ इस तरह से। एक्चुअली नीचे डालने के बाद में भी फेरेज है ना सो ही रहा था, तो उसे मैंने एक साइड सीट पर डाल दिया था, और हम लोग बस बाहर की सीनरीज ब्यूटीफुल सी इन्जॉय कर रहे थे। देखो अभी भी फेरेज सो रहा है,
मैं तो नॉर्मल बस रेडी हो गई थी। और एक्चुअली मैंने मेकअप निकलने के टाइम पे भी नहीं किया, बस मैंने थोड़ी इयररिंग्स वगैरह डाल लिए और थोड़ा रेडी हो गई हाथ मुंह धो के अच्छे से एंड बाल वगैरह बना के, कि बस अभी फ्रेश हो गया है, नीचे उतरना है कुछ और बस घर पे जाना है अभी, क्योंकि बस हो गया था यार, ट्रेन में बहुत थकान हो जाती है एक्चुअली। ये फेरीज और जियान की फ़ोटोग्राफी अशरफ ने की है, जो कि मेरे फ़ोन का एक फ़ीचर था, मुझे उसी दिन मालूम पड़ा। एक्चुअली ये सिनेमेटिक कुछ फ़ीचर है जिसमें कि कुछ इस तरह से दिखता है, बैकग्राउंड ब्लर होती है। और ये हूँ मैं, बिल्कुल थकी हुई हूँ मैं और नींद नहीं मिली है बराबर। एक्चुअली ट्रेन के ट्रैवल में ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, और हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं तो ट्रेन है ना पूरी खाली थी, लाइक हमारी जो बोगी थी उसमें सिर्फ हमारी फैमिली थी और कोई नहीं था। तो बहुत मज़ा आ रही थी कि बिंदास जहाँ चाहे वहाँ घूम रहे थे। और ये मेरा और पेरिस का फ्रेश लुक बिल्कुल सुबह सुबह का। बस अभी हम लोग यहाँ पे कुछ फ्यू आवर्स ही अवे थे हमारे डेस्टिनेशन से। और यहाँ जो हमारे जियान मियाँ हैं उनका रोना धोना तो चालू ही रहता है, ट्रैवलिंग हो या घर हो। और फेरिस तो फुल ऑन मज़े कर रहा था, ट्रेन का एंजॉयमेंट ले रहा था। मीनवाइल यहाँ पे कुछ हम लोग केरला जब पहुँचने वाले थे उससे पहले कुछ शायद से मैच चालू थी जिसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। अब फाइनली हम पहुँच गए हैं यहाँ पे मैंगलोर स्टेशन। तो एक्चुअली ये जो मैं रिकॉर्डिंग या फिर ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ ये कुछ 3-4 दिन पुराना है, 3-4 नहीं एक्चुअली 1 वीक पुराना है जो मैं अब अपलोड कर रही हूँ। थोड़ा सा टाइम मिला है, वो टाइम मिलने के लिए भी थैंक्स टू अशरफ। बेंगलुरु जंक्शन जहाँ से हम लोग को एक्चुअली अभी कैब या फिर फैमिली वाले आएंगे लेने के लिए कार से, एक्चुअली मेरे मामू आएंगे हम लोग को पिकअप करने अभी स्टेशन से, एंड देन वी विल गो टू कासरगोड। अभी हालत बहुत ख़राब है बिकॉज लाइक 15 आवर्स हम लोग ट्रेन में हैं एंड बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। थक गए, रुको नीचे उतरना नहीं, मम्मा उतारेंगे, कम आ जाओ। तो ये है अशरफ मियाँ जिसने किसी को भी कुछ भी उठाने नहीं दिया, अकेले नहीं उसने सारा लगेज जो है उठाया था। यहाँ पे अराउंड 8 बैग्स थे हमारे पास लगेज के, और यहाँ पे जियान भी गिर गया एक बार मस्ती में। तो अशरफ जो है यहाँ पे शायद से आखिरी बार इतना सारा सामान एक साथ उठा रहा था, क्योंकि हमने जो इसके बाद में हुआ है वो सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, एंड हमारे लिए रिटर्निंग पॉइंट केरला का इतना ज़्यादा मतलब पेनफुल होगा एक्चुअली। तो उसके लिए आप ज़रूर इस वीडियो को देखते रहे और आगे के वीडियोस का जल्दी जल्दी से वेट करिए, क्योंकि इसमें मैं बताऊँगी एक्चुअली हुआ क्या एग्जैक्टली कि हम इतनी परेशानी हो गई। और फेरिस तो इतने ज़्यादा मज़े कर रहा था स्टेशन पर क्योंकि शायद से गांव के स्टेशन पे पहली बार आया है, नॉर्मली मुंबई के स्टेशन पे भी वो नहीं गया है, ट्रेन के ट्रैवल नहीं करते हम लोग फेरिस के साथ में, बट यहाँ पे फेरिस बहुत इन्जॉय कर रहा था। और हम लोग यहाँ पे एक स्पॉट था जहाँ पे मामू का वेट कर रहे थे और मामू हमें पिकअप करने के लिए आने वाले थे, तो हमने सारा सामान एक जगह पर करके और मामू का बस वेट कर रहे थे। अराउंड 1/2 आवर 1 आवर हमने वेट किया तब मामू पहुँचे, क्योंकि यहाँ से जो मैंगलोर से कासरगोड का एरिया है अराउंड 1 आवर की दूरी पर है, तो इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ा था। और फाइनली यहाँ पे हम लोग थोड़ा फोटोशूट वगैरह कर रहे थे बाहर खड़े होके, और मामू भी ऑलमोस्ट आ चुके थे, और ये हम लोग पहुँच गए मेरे मामा के घर पे। तो ये है कासरगोड में, और ये है हमारा एक्चुअली नेटिव प्लेस जहाँ पे हम लोग मामा के घर पे जाके रहते हैं, थोड़ा इन्जॉय करते हैं। यहाँ पे आते साथ तो सब ने पहले रिफ्रेशमेंट किया है, जो भी नाश्ते वगैरह कर रहा था वो, और मेरी आपी जो है थोड़ा सा ऐसे सब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी तो उसी से मैंने ये वीडियो लिया है, ताकि मैं आप लोगों को जस्ट एक झलक दिखा सकूं कि गांव में एक्चुअली कितने स्पेशियस होती है जगह घर। और एक्चुअली केरला में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि आपको सब कुछ ग्रीनरीज होता है, और नारियल पानी तो आप एनी टाइम कभी भी पी सकते हो, बहुत रेडीली अवेलेबल होता है। और ये ऊपर का टेरेस एरिया है, जस्ट अ शॉर्ट विजिट। तो ऊपर का जो टेरेस एरिया भी है वहाँ पे एक छोटा सा रूम है, और बाहर साइड में बालकनी का जो एरिया है ऊपर का टेरेस का एरिया काफ़ी बड़ा है, और यहाँ से जो है ना सारे झाड़ आपको दिखते हैं, जो भी जैसे कि मामा के आम के झाड़ है और फनस के झाड़ है, पपैये का झाड़ है, केले का झाड़ है, तो वो सारा बहुत अच्छे से दिखता है। तो उसका भी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो डालूंगी, फिलहाल ये जस्ट एक ग्लिम्स है। और मीनवाइल यहाँ पे जानवर भी है मामा के पास, जैसे कि बकरी वगैरह है, बिल्ली है और मुर्गियाँ हैं। तो फेरिस जो है ना बहुत बड़ा एनिमल लवर है, वो आते साथ उसने जस्ट फ्रेश हुआ है, कपड़े चेंज किए एंड वो सारे एनिमल से मिलने चला गया था। तो यहाँ पे एक्चुअली केरला की है मेरी पहली रसोई, जिसका वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो टू बी कंटिन्यूड, बाय बाय।